ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों सबों को जय यीशु। आज हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। आगमन काल ख्रिस्त जयंती मनाने की तैयारी का समय है। इस काल के दौरान हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोहते हैं और साथ ही साथ उनके अंतिम आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, जब वह इस धरती पर सभी मनुष्यों का न्याय करने के लिए आएंगे। परंतु यह अंतिम आगमन के बारे में ज्यादा हम नहीं जानते हैं, फिर भी हमें इसके लिए सदैव तैयार रहने की आवश्यकता है। आगमन काल हमें सदैव सतर्क एवं सजग रहने के लिए बुलावा है। ख्रिस्त जयंती की तैयारी करते हुए हम यीशु ख्रिस्त के निकट आने और उनके पुनर्गमन का न्याय के लिए उनके सामने उपस्थित होने की तैयारी का सुनहरा समय है। माता कलीसिया आगमन के पहले रविवार से नई पूजन वर्ष में प्रवेश करती है और हमें निमंत्रण देती है कि हम ख्रिस्त जयंती को अच्छी तरह से मनाने के लिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। जब हम ख्रिस्त जयंती के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम अपने उद्धारकर्ता के जन्म की तैयारी करते हैं। उन्होंने हमें पापों से मुक्त किया, लेकिन आज दुनिया बहुत सारे अनैतिकता से पीड़ित है। भ्रष्टाचार हमारे समाज का अंग बन गया है। दुनिया आतंकवाद एवं युद्ध से पीड़ित है। कितने मासूम अपने जान खो रहे हैं। ये सारे आध्यात्मिक जीवन से दूरियां बनाने का फल है। आगमन काल शांति के दूत को पहचानने का काल है। यदि हम व्यक्तिगत जीवन एवं पारिवारिक जीवन को देखें तो पाएंगे कि हम भी बहुत सारे अवगुणों से ग्रसित। आज का प्रभु प्रवचन हमें आगाह कर रहा है कि हमें सतर्क रहना है, जागते रहना है। आध्यात्मिक रूप से हमें यह बुलावा है कि अपने जीवन में नयापन लाने का समय है और सच्चा आगमन काल की तैयारी है। हम सिर्फ शब्दों से नहीं लेकिन कर्मों में परिवर्तन करना है। परिवर्तन एवं नयापन और सतर्कता ही वास्तविक आगमन काल है। इस आगमन काल में प्रभु हमारी अगुवाई करे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे।